नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। इस वक्त की बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां छत पर पतंग उड़ा रहा एक 8 साल का बच्चा पतंग के साथ अपनी जिंदगी भी गवा बैठा। ये मामला ग्वालियर की मल्टी सिंधिया कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत से पूरे शहर में मातम है। ग्वालियर में एक 8 साल के बच्चे की मौत रूह को कपा देने वाली है। छत पर पतंग उड़ा रहे 8 साल के बच्चे का अचानक पैर फिसल गया, जिससे वह चौथी मंजिल से नीचे गिर गया। गंभीर हालत में बच्चे को जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात उसने दम तोड़ दिया। घटना गुरुवार रात सरकारी मल्टी सिंधिया नगर की है। बच्चे की मौत की खबर से सिंधिया नगर में मातम पसरा है। विश्वविद्यालय क्षेत्र के सिंधिया नगर सरकारी मल्टी में रहने वाले अनिल कुमार डागौर निजी फर्म में काम करते हैं। परिवार में पत्नी संगीता और 2 बेटे 8 वर्षीय देव डागौर और 5 साल का उमेश है। गुरुवार को अनिल ड्यूटी पर थे। शाम को बड़ा बेटा देव माँ से पतंग उड़ाने की कहकर मल्टी की चौथी मंजिल पर पहुंच गया। वह छत पर पतंग उड़ा रहा था, इसी दौरान अचानक उसका पैर फिसल गया। वह छत से नीचे गिरा। बच्चे के गिरने की तेज आवाज सभी को सुनाई दी, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपका प्यार हमें लगातार YouTube पर मिल रहा है और हमारे सब्सक्राइबर की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। Facebook पर भी 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की तमाम खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। नमस्कार।